हाय फ्रेंड, मैं हूँ दिलीप, इंस्पायर ट्रैवल वालों की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं सावड़ापली रोड के ऊपर हूँ, जो निमाई घाट से थोड़ा नजदीक है। निमाई चैतन्य घाट को आध्यात्मिक और धार्मिक घाट माना जाता है। यह है सावन महीना के आखिरी सोमवार। लोग देख सकते हैं लाखों लोग गंगा जल लेके चल रहा है तारकेश्वर की ओर बाबा को जल अभिषेक करने के लिए। सावड़ापली निमाई चैतन्य घाट से तारकेश्वर की दूरी है 38 किलोमीटर। ये पूरा रोडी भक्त लोग गंगा जल लेके पैदल चलते हैं, फिर में भक्त लोग तारकेश्वर पहुंच जाते हैं और बाबा शिव जी की जल अभिषेक कराते हैं। चैतन्य घाट के साथ धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है, इसलिए भक्त लोग यहाँ से गंगा जल लेके बाबा को जल अभिषेक कराते हैं, जो बहुत ही फलदायक होती है। सावड़ापली घाट और तारकेश्वर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे साथ देखिए सावड़ापली से निमाई चैतन्य घाट। गया हूँ निमाई चैतन्य घाट में। मेरा ठीक सामने है चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा सा मूर्त। चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम था निमाई। इस घाट को निमाई चैतन्य घाट कहा जाता है। यानी कथा अनुसार जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में जगन्नाथ दर्शन में जा रहा था, उस दिन इस घाट में रुक के विश्राम किया था। निमाई चैतन्य घाट को बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक माना जाता है। बहुत सारे पुण्यार्थी इस घाट में स्नान करने और पूजा पाठ करने के लिए गंगा में आता है। घाट में स्नान करना बहुत ही फलदायक माना जाता है।
प्रकृति के किनारे बसा हुआ ये घाट बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक घाटों में एक है। तो इसी घाट में आके गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा जल लेके तारकेश्वर की ओर पैदल चलते हैं। तो इसी घाट से जल लेके 38 किलोमीटर दूर तारकेश्वर मंदिर में बाबा को जल अभिषेक कराते हैं। भागीरथी के किनारे बसा हुआ है जगन्नाथ देव की ये मंदिर। में कहा गया था गंगा इस धरती को मिला ईश्वर की महान वरदान के लिए। राजा भगीरथ ने 5000 साल तपस्या करके माँ गंगा को इस धरती में उतारा था। इसलिए के आज तक माँ गंगा उतनी पावन और उतनी फलदायक भी है। गंगा के किनारे कुछ खंड खड़ा रहने से आपको मन के शांति और सुकून मिलेगी। जय माँ गंगा की जय।